जैतपुर विधानसभा सीट की बात करें तो मोदी लहर में ये सीट 2017 में भाजपा के खाते में चली गई। 2017 में सपा और कांग्रेस के उम्मीदवार तनुज पुनिया, जो कि पीएल पुनिया के बेटे हैं, वो हार गए थे। उपेंद्र सिंह को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे और तनुज पुनिया को यहाँ पर 80,000 से ज्यादा वोट मिले थे। अखिलेश यादव, क्या पसंद है अखिलेश जी के कामकाज? बस वो युवा नेता हैं और युवाओं के साथ रहते हैं, स्टूडेंट को भी फायदा होता है उसमें। तो उनकी जिस वक्त वो सीएम थे, कुछ फैसले या कुछ योजनाएं, कुछ बातें जो आपको पसंद आई हो, कैसे समझाएं? अरे वो जो करते हैं तो सब अच्छा ही करते हैं। सियासी कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, हम लोग व्यापारी वर्ग हर एक से त्रस्त हो चुके हैं, कोई हम लोगों के बारे में कुछ सोचता ही नहीं। अब इधर देखिए, सब महंगाई तो जबरदस्त बढ़ती जा रही, हम लोगों को भाई कस्टमर टिकल करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और सारे लोग जो हैं शायद वो तुष्टिकरण में जुटे हुए हैं, इसलिए बीजेपी एक ऑप्शन है, मतलब एज ए हिंदू वो एक बहुत बेटर ऑप्शन है। सरकार नहीं बदलनी चाहिए, बहुत अच्छा है। इन्हें जो आधार कार्ड पे और इन्हें जो किसानों के लिए, जो जमीनों के लिए, जो मकानों के लिए इन्हें योजना जो निकाली है, इसके लिए बहुत अच्छी बात है, कोई खराब बात नहीं। और इसमें दुख असुख तो आया करता है, इसमें तो लगा रहता है, बोला हम लोग इससे कुछ परेशान नहीं है, बोला हम ये चाह रहे हैं थोड़ा किसानों को थोड़ा सा ध्यान दें कि परेशान ना हो। हमें तो मोदी योगी दोनों पसंद हैं, हमको उन्हीं को वोट देना है। वो जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा से कर रहे हैं, मतलब उनको समझदारी है। और ये हम चाह रहे हैं कि जिसका कार्ड नहीं बना वो उसका कार्ड बन जाए, मतलब एक तरफ से सबको देखिए एक नज़र से। हमारा शुरू से जब से हम जाने वाले तो से भाजपा का है और शुरू से आखिरी तक भाजपा कर रहे हैं, कारण कि जिसे कुछ अच्छे काम करते हैं तो थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट गलत भी हो जाता है, लेकिन उसके लिए ऐसा थोड़ा है कि सरकार की राह दिन जाए, ऐसा नहीं है। परिवर्तन तो जरूर होना चाहिए, हमारे हिसाब से कुछ ना कुछ बदलाव जरूरी है। अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी या कोई और? अब ये तो नहीं कह सकते। हमारा है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव बहुत अच्छा काम की, उनके खत्ता कोई ना काम कर पाई। 20,000 रुपया कन्या विद्याधन, लैपटॉप, एम्बुलेंस, 100 नंबर डायल, सरसाला पेंशन, विधवा पेंशन, लैपटॉप, इससे अच्छी कोई सरकार नहीं रही। और बीजेपी से तो जनता तो उब चुकी है। हम लोग आज काशकार, हम लोग खुद नहीं वोट देंगे समाजवादी पार्टी के अलावा, मैंने किसी की सपोर्ट नहीं करेंगे हम। इधर बनेगा देखा जाएगा, अभी तो कोई पक्की बात नहीं है, जो बनेगा वो देखा जाएगा। सरकार 4.5 साल पूरे कर चुकी है, तो कैसा लगा आपको काम? ठीक भी है हमारे हिसाब से, कोई गलत काम भी नहीं हुआ है, बस यही इतना कहना है हमको। बीजेपी की तरफ क्या कारण है? हम लोग वहाँ पर हर सुविधा मिलती है हमको, हाँ, फ्री वाला अनाज भी मिलता है और कॉलोनी भी मिलती है, इसलिए हम लोग बीजेपी को ही वोट करेंगे। इस पर कोई असर नहीं है यहाँ पर करीब आने पे जो है होगा, वैसे तो सपा का जो है चर्चा चल रहा है यहाँ पे। जी, क्या उम्मीदें हैं और क्या बढ़िया लग रहा है सपा में? सपा सरकार जो है समाजवादी पार्टी जो ऐसी है जो समाज के हित में कार्य करती है, इसलिए जो है बढ़िया रहता है वो। बस उनके फैसले यही रहते हैं जो समाज से रिलेटेड होते हैं, और जो है वो जो है जॉब वगैरह के अपॉर्चुनिटी रहते हैं, ये सब अच्छा रहता है, ज़्यादा जातवाद नहीं रहता है। हमारा तो अखिलेश तरफ है। क्या बढ़िया था अखिलेश जी के काम का? उनका सबसे बढ़िया तो ये कि ये गुंडा राज जो है वो नहीं था, और दूसरी ये जो जानवर घूम रहे हैं इनके लिए ज़्यादा देख रेख थी।